हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेज गियर्स। स्टेज गियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मिनी पर्ल 1024 DMX कंट्रोलर में पैचिंग और वाइपिंग कैसे करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पैचिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे हम सबको मालूम है कि कोई भी LED बार को या शार्पी को किसी भी बोर्ड से चलाने के लिए उसको पैचिंग करना पड़ता है। शॉर्टकट लैंग्वेज में बोला जाए तो उस LED बार का कौन कौन चैनल में क्या क्या है और शार्पी में भी कौन सा चैनल में क्या क्या है वो बोर्ड को बताना पड़ता है। यही प्रोसेस को शॉर्टकट में हम लोग पैचिंग भी बोल सकते हैं। और आज हम लोग बिग डिपर का LP001 LED बार और एक जिया का शार्पी बीम 218 को इस बोर्ड के साथ पैच करके आप लोग को दिखाएंगे। सो, सबसे पहले LED बार को पैच करेंगे और उसके लिए हम लोग मास्टर फेडर, फिक्सर फेडर और रिप्ले फेडर, ये तीनों मास्टर फेडर्स को फुल कर देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस वाले बटन पर। ये बटन आपका बोर्ड का मूड सिलेक्शन बटन है। सो, अभी देखिए ये ग्रीन LED ऑन है और ये यहाँ पर दिखा रहा है शो। सो, इस मोड में हम लोग जब शो चलाएंगे तब ये मोड हम लोग का काम में आएगा। तो अभी हम लोग को प्रोग्रामिंग करने के लिए शो मोड में नहीं, हम लोग को जाना पड़ेगा। देखिए, एक बार प्रेस करेंगे तो आएगा प्रो मोड। इसी मोड में हमको प्रोग्रामिंग करना है। और ये प्रो मोड में देखिए ये LED भी ब्लिंक हो रहा है। और एक मोड यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि एट्रीब्यूट मोड। सो, हम लोग को पैचिंग के लिए मेनली जाना पड़ेगा प्रो मोड में। सो, यहाँ पर तीन मोड मिलेगा, उसमें से आपको जाना है प्रो मोड में। इस मोड में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर दबाइए पैचिंग। देखिए, पैचिंग ऑप्शन में आपका पैच डिमर, पैच फिक्सर, रीपैच फिक्सर, पैच यूटिलिटीज और पैच इंफॉर्मेशन, ये पांच ऑप्शन आ रहा है। सो, इसमें से हम लोग पैच डिमर ऑप्शन चूज करेंगे। सो, पैच डिमर ऑप्शन चूज करने के लिए हम लोग ये बटन को प्रेस कर रहे हैं जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पैच डिमर DMX001 व्हील वी लाइन ए, मतलब यहाँ पर पीछे जो जो लाइन आउट है ए और बी, ये पूछ रहा है कि कौन सा लाइन से आपको आउटपुट लेना है। सो, अभी मेरा ये LED पर आउटपुट ए से कनेक्टेड है। सो, मैं आउटपुट ए ही है, ठीक है। और अगर आपको इसको चेंज करना है, आप ये यहाँ पर सी सॉफ्ट की दबाने पर ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको ए मोड में अभी मेरा है तो मैं इसको ए मोड में लग रहा हूँ। सो, इसके बाद फिक्सर सेक्शन में फिक्सर वन सिलेक्ट करके, जैसे फिक्सर वन में 1 से 16 चैनल है, सो हम लोग को आज 8 चैनल लगा क्योंकि मेरा ये वाला LED पर 8 चैनल का है। सो, यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है अभी DMX चैनल 1 कौन सा होगा। सो, मैंने ये सेट किया चैनल 1। अब पूछ रहा है चैनल 2 कौन सा होगा, चैनल 2। फिर पूछ रहा है देखिए चैनल 3 कौन सा होगा, चैनल 3। चैनल 4, यहाँ पर चैनल 4। चैनल 5, चैनल 6, चैनल 7, चैनल 8। ये मेरा 1 से 8 तक का पैचिंग कंप्लीटेड ऑन लाइन ए जो कि इस LED बार के लिए है। सो, मेरा पैचिंग अब तक कंप्लीट है। इसके बाद ये पैचिंग को चेक करने के लिए पहले आप ये पैचिंग सेक्शन को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए ये वाला मेरा 5 नंबर जो फेडर है वो है रेड के लिए, 6 नंबर जो फेडर था मेरा ग्रीन के लिए, 7 नंबर फेडर जो था मेरा ब्लू के लिए, और 8 नंबर जो फेडर वो पर्सनल वाइट के लिए, मतलब W के लिए। ओके, सो अभी देखते हैं स्टोव कैसे, कौन सा फेडर में। जैसे कि मेरे इस वाले LED पार में स्टोव है चैनल 2 में। देखिए चैनल 2 में स्टोव आ गया। ये स्टोव को मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। इसका चैनल 1 है मेन डिमर, देखिए मेन डिमर को नीचे कर रहा हूँ, मास्टर डिमर हो गया ये वाला। सो, ये मेरा LED पार के लिए ये पैचिंग कम्प्लीट है। अब देखिए मैंने एक एक करके ये फेडर डाउन कर रहा हूँ तो एक एक करके LEDs भी बंद हो रहा है। और ये दो जो फेडर है वो देखिए
ये है इफेक्ट टाइप जो एलईडी बार के साथ फैक्ट्री से ही सेट होके आता है, और ये इस टाइप का स्प्रीड। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि शार्पी बीम को कैसे इस बोर्ड के साथ सेट किया जाता है। सो आज मेरे पास जो शार्पी है वो है जीए कंपनी का बीम 218। इसका मॉडल है बीम 218। सो इसको सेट करने के लिए सेम प्रोसेस जैसे पैच ऑप्शन पैच। देखिए एलईडी पार को हम लोग ने सेट किया था एज अ डीमर, इसलिए हम लोग किया था पैच डीमर, लेकिन जब हमको शार्पी इसमें पैच करना पड़ेगा तब इसको एज अ फिक्सर पैच करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे पैच फिक्सर। पैच फिक्सर ऑप्शन चूज करने के लिए ये देखिए ऑप्शन बी। अभी ये शार्पी का जो जो फाइल इसमें लोडेड है वो दिखा रहा है। ये शार्पी है 16 चैनल का, मतलब 16 DMX चैनल का। तो हर एक शार्पी के लिए एक फाइल होता है जो इसमें लोडेड होता है, और वो फाइल के साथ ही ये शार्पी रन करता है। सो मेरा जो ये शार्पी है इसको अगर मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ, देखिए ये 16 नंबर जो फाइल है, मतलब 200 वर्ड डी, ये वाला जो फाइल है ये मेरा शार्पी के कोड के साथ मैच करता है, तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। देखिए अभी ये दिखा रहा है पैच 200W GSD को कौन सा DMX चैनल में ये सेट करे। सो मैं यहाँ पर इसका DMX कोड सेट किया हूँ 50 में। सो मैं इसको ये देखिए व्हील बी से चेंज करने बोल रहा है, तो मैं व्हील बी से इसको वी से चेंज करके इसको 50 कर रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है लाइन ए से आउटपुट थे या लाइन बी से, मतलब यहाँ पर जो दो आउटपुट आ रहा है लाइन ए आउटपुट और लाइन बी आउटपुट, ये पूछ रहा है। सो मैं एलईडी पार को लाइन ए आउटपुट में सेट किया था, सो मैं शार्पी बीम को लाइन आउट बी में सेट कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर जो आउटपुट है वो बी आउटपुट से निकलेगा। अभी सेम पार्ट फिक्सर पेज 1 में मैंने एलईडी पार किया था, तो मैं एक काम करता हूँ फिक्सर पेज 2 में जाता हूँ। फिक्सर में 2 में जाके यहाँ पर मैं शार्पी को सेट कर रहा हूँ। देखिए मैं जैसे ये वाला बटन प्रेस किया, यहाँ पर दिखा रहा है DMX 066, मतलब 50-66 ऑक्यूपाइड हो चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके अंदर फाइल्स था, तो फाइल में 16 चैनल, तो 16 चैनल ही ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर चुका है, इसीलिए 50-66 ऑक्यूपाइड हो चुका। अभी ये पूछ रहा है DMX चैनल 66 में अगर आपको कुछ डालना है, तो मेरे पास अभी एक ही शार्पी है, तो मैं एक ही को सेट कर रहा हूँ, तो मेरा शार्पी जो है पैच हो चुका है। अभी मैं चेक करता हूँ पैच ठीक से हुआ कि नहीं, इस पैच बटन को बंद किया। सो सिलेक्ट, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है फिक्सर के लिए। फिक्सर में 1-5 मतलब 1-5 और 6-10 मतलब यहाँ से यहाँ। सो अभी डीमर में ये सिलेक्टेड है, सो मैं डीमर को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए ऑप्शन, ये देखिए जॉग व्हील ए से इसको ऑन करना पड़ेगा। देखिए आपका डीमर आ गया। उसके बाद आता है पैन टीम में। सो मैं सबसे पहले तो थोड़ा कैमरा थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए पैन टील, यहाँ पर टील के लिए जॉग व्हील ए बोल रहा है और पैन के लिए जॉग व्हील बी बोल रहा है। अगर आपको इसमें कलर भी देखिए, यहाँ पर कलर ऑप्शन है, कलर अगर आप सिलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर बोल रहा है जॉग व्हील ए से कलर चेंज करना।
सो गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एलईडी पार और शार्पी को कैसे इस बोर्ड में पैच करते हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए लास्ट में देख लेते हैं कि मैंने जो ये इसमें बोर्ड में लोड किया है उसको वाइप कैसे करते हैं, या आप बोल सकते हो कि वो सारा चीज़ को ये बोर्ड से क्लियर कैसे करते हैं। तो इस बोर्ड को क्लियर मतलब वाइप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस ऑप्शन में जो है सेटअप। सेटअप ऑप्शन में जाके देखिए, यहाँ पर एक बी में ऑप्शन आ रहा है वाइप। इस वाइप को प्रेस कीजिए। देखिए अभी ये पूछ रहा है वाइप प्लेबैक, वाइप पैलेट और वाइप वॉल। यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर आप जो प्लेबैक को अगर आपको वाइप करना है तो ऑप्शन ए, अगर पैलेट को आपको वाइप करना है तो ऑप्शन बी, और अगर ये पूरा बोर्ड को आपको रीसेट करना है और मतलब समझ लीजिए पूरा क्लियर कर देना है तो वाइप ऑल। तो मैं अभी वाइप ऑल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा बोर्ड क्लियर करना है। सो ऑप्शन सी। देखिए अभी यहाँ पर मैं वाइप ऑल एंटर, अगर यस है तो एंटर कीजिए, अगर नो है तो एग्जिट कीजिए। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, देखिए ये वाला एंटर बटन। अभी ये बोर्ड पूरा क्लियर हो चुका है।